बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि आज मैंने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की है, तो अगले दिन समीर बेड़ कबीर बेड़ा गिरा है तो उसने कप शप चाय पीने वाले में तोड़ दिया है। तो आज भाई आया था इधर से हमारे चाक में, इधर से मैंने लिए हैं, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लास्ट में देखना। तो ये लिए हैं जी कप मैंने, ये तो इस तरह के हैं, ये दिखाती हूँ अपने बहन भाइयों को, ये इस तरह के हैं। मैंने कहा घर में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल इस तरह के ठीक हैं। तो अभी ये 6 कप लिए हैं, ये सारे निकाल के देख लेती हूँ कहीं से टूट तो नहीं गए। उठी हूँ आज, बच्चों को कपड़े शपड़े धोए, नहाई और नमाज़ पढ़ी है, तलावत की है। तो अभी मैंने कहा वीडियो नहीं है मेरे पास कोई भी, तो वीडियो बना लेती हूँ। अभी मैंने कपड़े अपने सिलाई करने हैं, तो ये वाले इस तरह के हैं जी। जी ये 6 कप लिए हैं, इनका निकाल के देख लूँ कहीं। एक दफ़ा मैं कप लेके आई थी तो उसकी डंडियाँ ना टूटी हुई थी, मैंने एक कप निकाला बाकी निकाले हुए थे, तो जब घर पहुँची तो वो टूटे हुए थे, इसलिए मैंने निकाल के मैंने कहा देख लूँ तो कहीं ये टूटे हुए ना हो, दोबारा फिर इंसान इस्तेमाल करने लगे तो पता ही ना चले कि क्या करना। अब दोबारा फिर इसमें रख देती हूँ, फिर धो के निकाल लूंगी उनको। ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग, गरीबों की क्या शॉपिंग होती है, शॉपिंग तो अमीरों की होती है ना। बस हम गरीब इंसान तो सिर्फ गुजारा कर सकता है, इसलिए अपने घर चलाने के लिए बस गुजारा मुजारा, इसलिए सिंपल सादे से कप लिए थे। मैंने कहा ये भी शेयर कर लूँ कि मैंने आज क्या खरीदा है थोड़ा सा। तो अभी कैमरा करती हूँ बंद और क्लोज करके दिखाती हूँ फूल किस तरह के हैं। इनका नज़दीक करके भी कप दिखा दूँ, इनके फूल ऊपर कुछ इस तरह के हैं। बस घर में इस्तेमाल करने के लिए अच्छे खासे हैं, लेकिन मेहमानों के लिए तो नहीं है, लेकिन घर में इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो जी इसी तरह ठीक हैं जी। वीडियो भी बंद करके रखती हूँ, फिर धो के इस्तेमाल कर लूँगी। अभी इनको उठा के इधर से रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शाम का टाइम हो गया, तो अभी ना कपड़े सिलाई कर रही थी अपनी, अभी उठी हूँ तो बच्चों ने आज ना मामा बिटिया ने देख ली है सूजी, क्योंकि सूजी मैंने को किलो डेढ़ लेके रखे हुए, तो उसमें कोई ना एक दो दाने सुसरी के थे, मैंने धूप में रखी थी कि ये ना फिर छान लूँगी क्योंकि ज़्यादा ना लग जाए। तो अभी मुझे कह रहे हैं कि बच्चे मामा जी हमें ना सूजी वाला हलवा बना के दो, तो वो बनाती हूँ जी। बर्तन मैंने ले लिया साथ में, जितना मुझे पानी चाहिए चाशनी के लिए, तो ये भी मैंने मिन के रखा हुआ है। तो ये है जी एक कौली सूजी की, एक चीनी की, और 4 कौलियाँ ये वाली मैंने डाली हैं प्लेटें पानी की, तो अभी एक चीनी की। तो अभी चूल्हा ऑन करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चूल्हा ऑन कर दिया तो अभी देर हो गई है काफ़ी, एक मामा के पापा की कॉल आ गई थी, तो उनसे बातें करते करते बस मजाक करते करते कुछ टाइम वेस्ट हो गया, लेट हो चुकी हूँ, तो इसलिए अभी फटोफट इसी चूल्हे पे बना लेती हूँ। अगर आग जो मगरब की अजान होनी शुरू हो गई है तो बच्चे आ जाएंगे, अम्मी मामा जी हमें हमने जो कहा था बना के दो, क्योंकि बच्चों की
फरमाइशें भी पूरी करना माँ का ही हक होता है। फिर जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं है, समीर बेटा भी कह रहा था यही बना दो, कल उनको दिए थे दाल चावल बना के, तो आज यही बना देती हूँ। तो ये अभी चाशनी तैयार हो रही है, तो उतनी देर में घी वाली बाल्टी जिधर मैंने रखी हुई है ये निकाल लेती हूँ, साथ में चम्मच फटोफट, क्योंकि दो मिनट लगेंगे बन जाएगा, तो फिर नमाज भी पढ़नी है और ये काम भी मैंने करना है, क्योंकि अगर आग जलाने लग गई तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए फटोफट मैंने कहा यही कर लेती हूँ। तो उतनी देर कूलर मैंने रखा हुआ है, बर्फ़ निकालती हूँ, कूलर में पानी में डाल लेती हूँ। ये टमाटर मैंने फ्रीज करके रखे हुए हैं माशाल्लाह जी, ये भाई प्याज लेके आया था और सिस्टर मेरा ने दिए थे इसलिए, तो ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं, ऊपर कुछ नीचे भी हैं। बस मेरा दिल अभी ये ग्राइंड करके सारे ना जूसर में तो एक डब्बे में डाल लूँ, फिर मसला नहीं बनेगा, अगर लाइट भी चले जाए ना तो पिघले भी नहीं। तो अभी बर्फ निकालती हूँ, जो पानी थोड़ा सा है और बाकी और डाल लेती हूँ। मान रहीम जी चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, तो अभी ये चूल्हा बंद करती हूँ, तो ये बर्तन मैंने चाशनी डालने के लिए लिया हुआ है इसमें डालती हूँ, लेकिन कैमरा मेरे हाथ में है इसलिए गर्म है तो टकता नहीं, एक हाथ से हटाई जाएगी ये कैमरा है, एक मिनट बंद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चाशनी मैंने डाल दी है, तो ये अभी चूल्हा ऑन करती हूँ और घी ऐड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूजी इधर रख देती हूँ और ये घी नज़दीक करके डाल लेती हूँ क्योंकि चूल्हे के ऊपर ना गिरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक तुक्का चूल्हे के ऊपर गिर गया है, चलो साफ कर लेती हूँ उसे। तो अभी जी घी डाल दिया मैंने, अब अच्छी तरह गर्म होने देती हूँ, घी वाली बाल्टी बंद कर देती हूँ, अगर कमी पीसी कोई घी के बाद में डाल लूँगी थोड़ा बहुत। अभी पहले घी को गर्म करती हूँ। मैम बिटिया मेरी ये चावल खा रही है, दाल चावल, तो ये दाल इतनी सी है, दाल चावल खाने तो खाओ, कल ही दाल खानी है, अच्छा चम्मच ना खानी है जी, कल जी बड़े मज़े की दाल बनी थी, क्योंकि जो नहर वाले नलके का पानी हम लेके आते हैं ना उधर से, उससे दालें वगैरह बड़ी मज़े की बनती हैं, पीने के लिए भी काफ़ी ठीक होता है, लेकिन हमारे घरों का पानी तो ख़राब हो चुका है, लेकिन ना लाने की वजह से ना काफ़ी मैदे का ही मसला, जो इस तरह के मसले बन रहे हैं मेरे ख्याल में ना, ये पानी की वजह से ही बन रहे हैं। तो चलो अल्लाह बेहतर करेगा, ये गर्म हो चुका है, अभी इसमें सूजी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी हल्का हल्का चम्मच चलाती रहूँगी, इसको भुनाई करते हैं सूजी की इनका कलर चेंज होने तक। मैमा क्या कर रही हो बेटा, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे चोट लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी सूजी की बनाई हो चुकी है, अभी मैंने इसमें चाशनी डालनी है। मम्मा पीछे हो जाए, मुँह तो छिटाना पै जाए बेटा, पीछे हो गया खलोईदा चूल्हे के ऊपर नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी चाशनी डाल दी है, अभी पानी खुश करते हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी हलवा हमारा तैयार हो गया सूजी का, अभी उतारती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होता है तो बच्चों को देती हूँ। माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा तैयार हो चुका है। जी तो अभी चूल्हा बंद कर देती हूँ, ज़्यादा सख्त हो गया तो फिर भी बच्चे नहीं खाते, इसलिए अभी चूल्हा बंद करती हूँ और थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ।